बात करें यदि कोरोना के कहर की तो पूरा विश्व के साथ साथ भारत देश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आते हैं। ऐसे में राजस्थान के पाली जिले से खबर, जहां रोहट उपखंड के भाकरी वाला गांव में कोविड 19 अभियान के तहत सीएचसी रोहट की टीम ने 11 प्रवासियों की कोविड 19 की सैंपलिंग ली है। एएनएम उषा ने राजस्थान से बाहर से आए हुए प्रवासियों को कोरोना वायरस के लक्षण व उपाय भी बताए हैं। साथ ही हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने व मास्क लगाने के बारे में लोगों को जागरूक किया गया है। स्थानीय सरपंच अमरा राम बेनीवाल ने भी स्थानीय निवासियों को राजस्थान से बाहर से आने वाले प्रवासियों को 14 दिन तक अपने घरों के अंदर ही रहने की हिदायत दी है। ग्राम स्तरीय ग्रुप कोर कमेटी के अध्यक्ष और स्थानीय सरपंच अमरा राम बेनीवाल सहित समस्त सदस्यों की सैंपलिंग ली गई और इस शिविर को सरपंच के साथ साथ काफी सारे लोगों ने मौके पर उपस्थित होकर सफल बनाया। इसके दौरान श्रवण राम चौधरी, एएनएमसी के माया, लोकेश कुमार, पिंटू शर्मा और सोहन गुणपाल इत्यादि लोग मौजूद थे। मैं उषा अब्राम, स्टाफ नर्स सीएससी रोहट, आज यहाँ भाकरीवाला गांव में कोविड 19 का सैंपलिंग का कैंप रखा गया और जिसमें 11 लोगों की सैंपलिंग की गई है और 21 मई को एक युवक मतलब बॉम्बे से आया था जो कोरोना पॉजिटिव हो गया था 21 तारीख को। इसके चलते इसके उस मतलब कॉन्टेक्ट में आए लोगों की सैंपलिंग की गई आज, उसके माता पिता, उसकी पत्नी, बच्चे का भी किया गया और अन्य लोग भी जो कॉन्टेक्ट हिस्ट्री के हिसाब से उनका सैंपलिंग आज किया गया, 11 लोगों की किया गई, अच्छी तरह सफलतापूर्वक हो गया। टीवी वन इंडिया न्यूज़ के लिए सोहन गुणपाल की रिपोर्ट, पाली, राजस्थान। राजस्थान के पाली जिले के रोहट तहसील का मामला, जिसके अंतर्गत समस्त राजीव गांधी सेवा केंद्रों में स्थित ई मित्र संचालकों के अतिरिक्त जनाधार योजना अधिकारी विजय सिंह पवार और सहायक प्रोग्रामर प्रवीण भाटी व उनके समस्त टीम ने जन आधारण कार्ड वितरित किए हैं। हमारे संवाददाता सोहन गुणपाल की इस खास रिपोर्ट के अनुसार ब्लॉक प्रोग्रामर विजय सिंह पवार का कहना था कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा रोहट ब्लॉक के कुल 16,185 कार्ड प्राप्त हुए हैं। उसमें से 6,798 जन आधार कार्ड निःशुल्क वितरित किए गए हैं। साथ ही उनका कहना था कि देश में पहली कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन होने के कारण कार्ड वितरित करने में थोड़ी सी कमी आई है। उन्होंने कहा कि पूरी टीम बड़ी मुस्तैदी से जन आधारण कार्ड वितरित करने में लगी हुई है, जिसके कारण अतिशीघ्र 100% जन आधार कार्ड वितरित करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही सहायक प्रोग्रामर प्रवीण भाटी ने समस्त ई मित्र संचालकों को जन आधारण कार्ड लोगों को निःशुल्क वितरण करने की बात भी कही। विजय सिंह पवार, प्रोग्रामर, ब्लॉक रोहित, डिस्ट्रिक्ट पाली। हमें आज दिनांक 16,185 कार्ड टोटल प्राप्त हुए हैं, जो कि हमने सभी ई मित्रों को असाइन कर दिए गए हैं। ई मित्र सेंटरों ने तकरीबन 6,798 कार्ड बांट दिए हैं। सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि बचे हुए कार्ड को जल्द से जल्द वितरित करें और सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। टीवी वन इंडिया न्यूज़ के लिए सोहन गुणपाल की रिपोर्ट, पाली, राजस्थान। बात करें अगर टिड्डी दल की तो राजस्थान राज्य के नागौर जिले में भी रिया श्यामदास गांव से जहां टिड्डी दल का भारी मात्रा में प्रकोप देखा जा रहा है। किसानों की मुश्किलें बढ़ी हैं और किसान भाइयों का कहना है कि टिड्डी के प्रकोप से कपास, सब्जियों और पेड़ पौधों को भारी नुकसान हो रहा है, जिससे किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है और एक कोरोना की मार से वैसे भी किसान दुखी थे। किसानों की बात की जाए तो वह अपना दर्द बयान नहीं कर पा रहे। सरकार से मांग की गई है कि उनकी हर संभव मदद की जाए। टिड्डियों के द्वारा किसान को यह आशंका है कि उनकी काफी ज्यादा मात्रा में फसल बर्बाद हो जाएगी। भारी मात्रा में टिड्डी दल कपास में बहुत नुकसान, किसान बहुत परेशान है टिड्डी से। राज्य सरकार और केंद्र सरकार किसानों ऊपर ध्यान दे। टिड्डी दल ने इधर बहुत भारी मात्रा में प्रकोप किया है यह श्यामदास ग्राम में, और भारी मात्रा में फसलों का नुकसान हुआ है और कपास की फसल को नष्ट कर दिया है। भारी मात्रा में बहुत हजारों की तादाद में टिड्डी दल आई है, किसान बहुत परेशान, किसानों को बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ है और गवर्नमेंट है तो हेल्प करे किसानों की। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए राकेश पारी की रिपोर्ट, नागौर, राजस्थान। बात करें राजस्थान के पाली जिले की तो सोजत ब्लॉक के शिवपुरा गांव में 30 मई को एक कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद आज राजकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय शिवपुरा में सोजत मेडिकल टीम द्वारा कोविड 19 के 46 सैंपल लिए गए हैं। हमारे ब्यूरो चीफ सोहन गुणपाल द्वारा जानकारी लेने पर सरपंच प्रतिनिधि नेमाराम वटोरिया का कहना था कि ग्राम पंचायत द्वारा समस्त राजस्व गांवों के अंदर हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव भी किया जा चुका है। साथ ही स्थानीय ग्रुप कोर कमेटी द्वारा 100% प्रयास कर भारत को कोरोना मुक्त बनाने का संकल्प लिया जा रहा है। राजस्थान से बाहर से आने वाले प्रवासियों को 14 दिन तक होम क्वारंटाइन रहने की हिदायत दी गई है और स्थानीय योद्धा कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। साथ ही उन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और समय समय पर अपने हाथों को साबुन से धोने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया है। सरपंच प्रतिनिधि नेमाराम, पीओ राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जिग्नेश, सोनी लेप, एलटी अजय सिंह के साथ साथ काफी सारे लोग इस अवसर पर उपस्थित। नमस्ते, मैं नेमाराम, शिवपुरा सरपंच प्रतिनिधि। आज हमारे स्थानीय विद्यालय में कोविड 19
का सैंपलिंग शिविर रखा गया, जिसमें शुद्ध से चिकित्सा विभाग की टीम ने 46 सैंपल लिए और मैं ग्राम पंचायत शिवपुरा के सभी नागरिकों को कहना चाहता हूं कि आप इस महामारी से बचे, इसका बचाव ही उपचार है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। लोगों से दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, बिना वजह बाहर ना घूमें और जो कोर कमेटी के सदस्य है, पीओ साहब है, पटवारी जी, ग्राम सेवक, एएनएम, अंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सहायक, रोजगार सहायक, आशा सहयोगी, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो बाहर से प्रवासी आए उनके घर घर जाके डेली मतलब 14 दिन तक घर घर जाके उनको हिदायत दे रहे कि मास्क पहनना जरूरी है, बिना वजह घर से बाहर नहीं निकले और खुद का बचाव करें, खुद का बचाव, अपने परिवार का बचाव करें। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सोहन गुणपाल की रिपोर्ट, पाली, राजस्थान। राजस्थान के पाली जिले के इंद्रोको की डाड़ी में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के कारण पूरे गांव में हड़कंप मच गया। स्थानीय युवा सरपंच दिलदार खान ने सतर्कता बरतते हुए पूरे गांव के अंदर हर गली मोहल्ले में हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव किया है। इस दौरान स्थानीय सरपंच ने लोगों को अपने घरों के अंदर ही रहने की बात कही है और आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलने की हिदायत दी है। साथ ही प्रवासियों को होम क्वारंटाइन के नियमों का पालन कराने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इस दौरान स्थानीय समस्त ग्रुप कोर कमेटी सदस्य और समस्त वार्ड पंचायत गण सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सोहन गुणपाल की रिपोर्ट, पाली, राजस्थान।